بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا اور جس وقت عہد لے اساں بنی اسرائیل دے کولو لا تعبدون الا اللہ نال تسی عبادت کریا جے مگر اللہ دی وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین نال احسان کرتے رہا دے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی صاحبو اور عزیز ساتھیو، دعا
दुनिया के अंदर बड़े बड़े अहम रिश्ते नाते और ताल्लुक इंसान के मौजूद ने, भैणा भरावां का रिश्ता है, चाचिया ताया का रिश्ता है, मामू और खालू का रिश्ता है, बहुत ज्यादा इंसान के रिश्ते ताल्लुक और नाते इस कायनात के अंदर जो अल्लाह ने बनाए ने, पर इन तमाम रिश्तों चो बेलौस और सब तो ज्यादा मोहब्बत का रिश्ता वो है वालिदैन और औलाद का रिश्ता, के वालिदैन बगैर किसी तमे और लालच तो कुदरती तौर पर अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत वालिदैन के दिल अंदर इस कदर रखी है और फरमाया कि मेरे बंदो, मैं अल्लाह ने अपनी तौहीद के बाद कुरान पाक के अंदर जगह जगह से इस अहम रिश्ते और ताल्लुक का ही तज़किरा फरमाया है कि जिथे अल्लाह की इबादत का आर्डर और हुक्म है उदे नाल वालिदैन की इताहत और फर्मा बरदारी का हुक्म है। मेरे भाइयों, मेरे बरादर, आज दे इस अजीम शान खुतबा जुमा के अंदर गद्दी कढ़ लो साडी, मैं जिस अहम उनवान से तुहाडे नाल हम किनार होना चाहना ओ है कि वालिदैन जिथे मां बाप की ताबेदारी और फर्मा बरदारी का अल्लाह ने बदला और सिला अता फरमाना है, ओदे नाल नाल अगर खुदा न खास्ता मां बाप की ना फरमानी करांगे तो रब्बुल आलमीन इस ना फरमानी की वजह तो आखरत नूं ते जो होना ही होना है, अल्लाह दुनिया के अंदर ही इंसान नूं जलीलो रिसवा करके रख देंदे ने। मेरे भाइयो, वालिदैन की ना फरमानी तो बचना है, बस यह बात अच अपने सेहन चंदर बिठाना है कि किसी हाल अंदर भी मां बाप की ना फरमानी तो हर मुमकिन बचना है और वालिदैन की ना फरमानी का अंजाम दुनिया च की होएगा और वालिदैन की ना फरमानी का अंजाम कल कयामत के दिन की होएगा। अल्लाह जुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह जुल जलाल वली कराम फरमाते ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो, अल्लाह फरमा दे ने वा इज़ा अख़ज़ना मीसा का बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह वा बिल वालिदैन इहसाना वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वकूलू लिन्नास हुस्नन वअकीमुस सलाता वआतुस ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीलम मिनकुम वअन्तुम मुरिज़ून।
जलाने वाले कराम ने बनी इसराइल को अहद लिया। अल्लाह ने बनी इसराइल को वादा लिया। अल्लाह जी की वादा लिया दे फरमाया ना ताबुदुना इल्लल्लाह। ओए बनी इसराइल वाले ओ अल्लाह दे इलावा किसे और दी इबादत ना करे आजे। और नंबर दो अल्लाह फरमाते ने वबिल वालिदैन एहसान। जिथे अल्लाह दी इबादत नू तुसी बनाना ओदे नाल नाल अपने वालिदैन दियां फरमा बरदारियां करनियां ने, अपने वालिदैन दियां ताबेदारियां। कुरान दा एक और मौका ए सिपारा पहला सुनिया जे, हुण सिपारा पंजवां सुनिया जे। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने फाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया। कहो सुभान अल्लाह। है ईद के दिन ने माशाल्लाह जे तुसी सहमे सहमे से परेशान जा बैठे हो कहो सुभान अल्लाह। गोडे छड़ दियो, छड़ दो जिन्ना फड़े ने गोडे छड़ दियो। अल्लाह पाक दे सहारे बैठो और प्यार ना मोहब्बत ना कुरान सुन के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अपनी मोहब्बत दा अकीदत दा प्यार दा इजहार फरमाया करो, क्योंकि अल्लाह दा कुरान पढ़िया जा रहा है। फाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैयां। अल्लाह दा पैगाम लोड फरमाया जे फाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैयां वबिल वालिदैन एहसानां वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारि जुनुब वस्साहिब बिल जंब वबन सबील वमा मलकत अयमानकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। इस जगह पे भी अल्लाह जुल जलाल ने वालिदैन नाल हुस्ने सलूक का आर्डर फरमाया। नहीं समझे आओ कुरान का पारा अठवा निकल आया। कुल तआलु अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकु बिही शैयां वबिल वालिदैन एहसाना वला تقتلوا اولادكم من املاك نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله الا بالحق ذلكم وصى ساكم به لعلكم تعقلون। रब्बुल आलमीन ने इस जगह ते फरमाया कुल तालो सोने तुसी फरमा दे आओ मैं तुहानू ओ चीजा बयान ना करा के जेड़िया चीजा अल्लाह ने तुहाडे ते हराम फरमा दितिया ने। अल्लाह जी जरूर बयान करो। फरमाया अल्लाह तुशरिकु बिही शैयां, पहले नंबर ते अल्लाह नाल शिरक करना तुहाडे ते हराम है। ओए मर जाया दे पर अल्लाह दी साथ ना किसे गैर नू शरीक ना ठहराया दे। आ जेड़े औसाफ मेरे अल्लाह दे ने ते जेड़िया सिफतां मेरे परवरदिगार दियां ने ओदी मखलूक विचों किसे बंदे विच ना पाया दे। पहले नंबर ते अल्लाह दी साथ ना शिरक ना करया दे। ये चीज अल्लाह ने तुहाडे ते हराम कर दिती है। वा बिल वाले
वालदैन एहसाना ते नंबर दो मां बाप दी फरमा बरदारी करया जे इन्हां दी ना फरमानी नु अल्लाह ने तुहाडे ते हराम फरमा दिता है। मेरे भाई आओ कुरान दा एक और मकाम सुनावा। अल्लाह फरमांदे ने वकासा रब का अल्लाह ताबुदू वकसा रब का अल्लाह ताबुदू इल्ला इशाहो वबिल वालदैन इहसाना इम्मा यबलुगन इंतकल के बारा आहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फ वला तनहरहुमा कुल्लहुमा कौलन करीमा वफ़िज़लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फरमाया अल्लाह का फैसला ए कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करया दे और अपने वालिदैन नाल इंसान ते अच्छा सलूक करदे रहया दे ते मेरे ते तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात इमाम पैगंबर अली सलाम ने अपनी जबान ने नबुव्वत जो अरशाद फरमाया। मेरे आका अली सलाम फरमांदे हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हो इस रिवायत दे रावी ने जगां दे वीर रब दे हबीब अली सलाम ने फरमाया सही मुस्लिम दी रिवायत है। मेरे आका फरमा आला ओ नब्बे ओ कुम पे अकबर लकबार आला ओ नब्बे ओ कुम पे अकबर लकबार अल इशराक बिल्लाह वाओ कुकुल वाले दैन। मेरे आका फरमाते ने क्या तुहानू मैं कबीरा गुनाह ना बयान करा क्या मैं सिहाबियो ना दसा के केड़े केड़े कबीरा ने छेड़े बगैर सच्ची तौबा तो अल्लाह कदे मुआफ नहीं करेगा। कबायर केड़े ने ते बड़े गुनाह केड़े ने जी आका जरूर बयान फरमाओ ना। ते मेरे आका फरमांदे ने अल इशराक बिल्ला पहले नंबर ते पहले नंबर ते अल्लाह दी जात नाल शिरक करना एक कबीरा गुनाह है। नंबर दो मेरे आका फरमांदे ने वा उकुल वाले दहीने ते मापियां दी ना फरमानी करना ए भी कबीरा गुनाह है। दुआ कर अल्लाह सानू सारियां नू वालिदैन दा फरमा बरदार बना देवे। अल्लाह दे बाग पैगंबर अली सलाम दा फरमान ते जगां दे वीर अली सर एक और फरमान तरगीब ओ तरहीब अंदर रिवायत मौजूद है के मेरे बाग पैगंबर अली सलाम ने फरमाया आ फरमांदे ने ओ बंदा जेड़ा अपने मां बाप दा नाम फरमान ओ दियां हज्जां कबूल नहीं ओ दियां ज़कातां ते ओ दे सदका तो खैरात कबूल ओए ओ दा कोई अमल भी अल्लाह दे दरबार विच कबूल नहीं जेड़ा अपने मापियां दा नाम फरमान जेड़ा वालिदैन दा नाम फरमान ओदी कोई नेकी रब दे दरबार विच कबूल नहीं होएगी। आओ जरा नबी पाक दा तीसरा फरमान सुनावा मेरे ते तुहाडे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगां दे वीर अली सलाम ने फरमाया हदीस पाक दे अल्फाज की ने आ फरमांदे ने सलासतुन ला यंसुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़यामा अल आकुल वालिदैहि व मुतमिनुल खमरे वल मन्नानु अताहु। मेरे आका फरमांदे ने तीन बंदे किन्ने सारे नहीं बोले किन्ने बंदे
तीन बंदे बदबख्त ने, तीन बंदे बड़े ही बदनसीब बंदे ने। आका उन्हां दा जुर्म की है? जगां दे पीर अली सलाम ने फरमाया जदन कयामत दा दिन होएगा अल्लाह सुल जलाल दी अदालत लग जाएगी। इन्हां तिना बंदियां वल रब ने रहमत दी नजर पा के तकना भी गवारा नहीं करना। ये मैदान माशर विच खलोते ने ते खलोते रहनगे। अल्लाह इन्हां वल प्यार दी नजर पा के रब इन्हां वल वेखना भी गवारा नहीं करेगा। हाय अल्लाह मेरी तौबा, आका ओह केड़े बदबख्त होणगे जिन्हां नूं रब वेखना भी नहीं चाहणगे। जग्गां दे पीर अली सलाम ने फरमाया आ फरमाते मैं अल्लाह कोल वाले दई है। नंबर एक मापियां दा नाम फरमान, वालिदैन दा नाम फरमान बंदा अल्लाह एदे वल रहमत दी नजर पा के तकना गवारा नहीं करनगे। नंबर एक ते नंबर दो वा मुतमिनुल खमर, जेड़ा बंदा शराब पीए शराबा पींदा ते अल्लाह दियां ना फरमानियां करदा है। वल मन्नान अता आहो, ते नंबर तीन एहसान करके नेकी करके ते जतलांदा फिरदा है, नेकी करके ते लोकां नूं बयान करदा फिरदा है। आ तीन ऐसे बदबख्त बंदे ने जिन्हां नूं कयामत दे दिन रब रहमत दी नजर पा के तकना भी गवारा नहीं करनगे। दुआ करो हां अल्लाह इन्हां लोकां तों बचा के सानू अपने नेकोकार बंदियां विच शामिल फरमा दे। मेरे भाइयो, मां बाप का ना फरमान बंदा दुनिया के अंदर भी जलील है, मापिया का ना फरमान बंदा कयामत के दिन भी जलील है। आओ मैं एक और तुहानू नबी पाक का फरमान सुनावा। आ फरमाते ने सलासतुन ला यदखुलुल जन्नता, सलासतुन हदीस के अल्फाज ने, सलासतुन ला यदखुलुल जन्नता अला कुल वालिदैहि। जग्गां दे पीर रब दे हबीब अली सलाम ने फरमाया तीन बंदे ऐसे होंगे के जिन्हां नूं अल्लाह कदी जन्नत विच दाखल नहीं फरमाएंगे। अल्लाह जिन्हां नूं जन्नत तो पिछा हटा देंगे। इन्हां चो एक बंदा अल्लाह कोल वालिदैहि है, ये मापिया का ना फरमान बंदा अल्लाह दे जन्नत विच दाखल नहीं होएगा। ये जिन्निया मर्जी इबादतां चुकी फिरे, जिन्निया मर्जी नेकियां लई फिरे, ते जे मापिया का ना फरमान ते फिर सोने हो नबी पाक ने फरमाया ये जन्नत अंदर मेरे आका फरमांदे ने नहीं जाएगा। आओ मेरे पैगंबर अली सलाम दा एक और फरमान, आ फरमांदे ने अल्लाह पाक ने, नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह पाक ने तुआडे ते मां बाप दी ना फरमानी नू हराम कर दिता है। मापिया की ना फरमानी करना ये अल्लाह ने तुआडे ते हराम फरमा दिता है। मेरे भाई मेरे बरादर, जग्गां दे पीर अली सलाम ने फरमाया आ फरमांदे ने जेड़ा सलूक तुसी अपनी मां बाप नल करना ओ सलूक तुआडियां औलादा ने तुआडे नल करना है। और मैनू याद आया हजरत इमाम साबत रहमतुल्लाह ताला, ये बहुत बड़े किताबी गुजरे ने एंज ना, इमाम साबत रहमतुल्लाह अलैह एक दिन एंज गुजरते जा रहे ने, ते एक नौजवान एक जवान ते कोले ते वडेरा दिया बुजुर्ग खलोता है। पता करवाया गया कि ये नौजवान जेड़ा इना बुजुर्गां दा इस बाबा जी का बेटा है। ते इमाम साहब गुजरे ना वेखिया की
नौजवान अपने बाप नू थप्पड़ बिया मारदा है, अपने बाप दे मुंह ते तमाचे बिया मारदा है, ते नाले बाप नू गिरेबान तो पकड़ के जमीन ते खिंचण दिया, नाले गालियां कढ़दा है, नाल थप्पड़ बिया मारदा है, ते नाल जमीन ते घसीटण दिया है। ते इमाम साबत रहमतुल्ला कह लगे, ओ बुजुर्गो खरीयत क्यों तुहाडा बेटा तुहाडे नाल जुलम पिया करदा है, क्यों तुहाडे नाल ज़्यादतियां पिया करदा है। ते बाबा कहन लगा, इमाम साहब मैं अपनियां कीतियां भुगतण दिया वा, जेड़ा सलूक अपने मापिया नाल मैं करदा रहा ओह ही सलूक मेरा बेटा मेरे नाल करण दिया। जामिया रबानिया चाहन वाले हो ए बार जेन च रखे दे, और सोने जेड़ा सलूक आज असी अपने मापिया नल करांगे कल नू ओहो ही सलूक साडिया औलादा ने साडे नल करना है। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई मेरे बरादर अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद क्या दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे पाक पैगंबर अली सलातु व सलाम दा जमाना है पाक। ते एक ना अलकमा नामी नौजवान एदा दुनिया तो सफर मुका रहा है, अलकमा दी जान निकलन दे करीब ते एदी जान नहीं निकलन दई है। नौजवान चंगा सोमो सलात दा पाबंद भी है वे, ते दुनिया तो जा रहा है एदी जान नहीं निकलन दई। अल्लाह अल्लाह ते एदी बीवी ने ना मेरे आका अली सलाम नो पैगाम कर लिया है, कहन लगी अल्लाह दे प्यारे नबी जी आओ जरा तशरीफ ले आया देना, मेरे खामती जान नहीं निकलन दई, मौत दे आहनी पंजे दे करीब आ गए मैं एदी जान नहीं निकलन दई। जगां दे पीर अली सलाम ऐज ना हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अनहु, हजरत अम्मार बिन यासर रजी अल्लाह ताला अनहु, और तीसरे सहाबी हजरत बिलाल बिन रिबान रजी अल्लाह ताला अनहु मार, इन्हां तिन्ना सहाबिया नू फरमाया जाओ पता करो जाके अलकमा दे लागे बह के जाके ऐसा ऐसा आवाज नाल कलमा पढ़ो ताकि ओदी जबान ते भी कलमा जारी हो जाए ते ओदी जान निकल जाए, क्योंकि मेरे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका अली सलाम ने फरमाया जदो बंदा करीब मर्ग होए ना फौत होन दे करीब होए ओनू ये ना आखिया करो धक्के नाल पढ़ कलमा पढ़, बार बार मजबूर ना करया करो कि ऐसा ना होए ओदी जान निकलन दई है, ओदी जान नहीं पता दे जान निकलन लग्या तकलीफ किन्नी होंदी है। हाय अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मौत दियां सख्तियां तो सानू सारियां नू बचा के रखे। मेरे आका फरमांदे ने जबरदस्ती ते धक्के नाल कलमा पढ़ाण ते मजबूर ना करया करो, बल्कि करीब और मरग जेड़ा बंदा होए ना ओदे लागे बह के अहस्ता अहस्ता आवाज नाल पढ़या करो आशा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐसा ऐसा पढ़ोगे तुहाडे पढ़न नाल ओदे कन्नी आहस्ता आहस्ता आवाज जाएगी ते अल्लाह ओदी जबान ते भी कलमा जारी फरमा देगा ते अल्लाह ओनू जन्नत हकदार बना छेगा। जे ओनू मजबूर करोगे ते धक्के नाल मजबूर करोगे, ते जे ओने इनकार कर दिता नहीं भी मैथों पढ़िया जांदा ते हाय अल्लाह मेरी तौबा एदी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी एदी आखरत भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जगां दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया मन का ना आ
آخر کلام ہی من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ میرے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ دنیا تو اس حال وچ جائے گا کہ دی زبان تے آخری ٹائم کلمہ جاری ہو گیا آپ فرماتے ہیں دخل الجنہ ایک ڈائریکٹ جنتی ہوئے گا جدی زبان تے آخری ویلے کلمہ جاری ہو گیا تے الکمہ دی جان نہیں نکلن دئی میرے آقا فرما دے نے سہیب عمار بلال جاؤ دے قریب جاؤ نا تے جا کے ایستا ایستا کول بہ کے کلمہ پڑھن لگ پیا دے ہو سکتا ہے وہ دی جان آسانی نہ نکل جائے تے جگہ دے پیر علی سلام دے صحابی تین چلے گئے نے اے جا کے بتیرا پڑھان دی کوشش کرن دے نے آہستہ آہستہ پڑھن دے نے لیکن الکمہ دی جان نہیں نکلن دی پریشانیاں ود گئیاں نے تے الکمہ دی بیوی نے پھر پیغام میرے نبی نو کلیا سونیو آ جاؤ تشریف لے آؤ نا الکمہ دی جان نہیں نکلن دی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علی سلام فرمان دے نے پتا کرو ہاں والا مینوں دسو الکمہ دے ماں باپ زندہ نے کے فوت ہو گئے سونے الکمان دا باپ تے فوت ہو گیا الکمان دی ماں زندہ ہے تے میرے آقا نے پیغام کر لیا اگر الکمان دی ماں میرے کل آ سکتی ہے تے آ جائے اگر نہیں آ سکتی تے میں او دی ماں کل چلا جانا ہوں الکمان دی ماں وڈیری جی عمر دی عورت ہے کہن لگی اللہ دے پاک نبی دا آرڈر آیا تے میں آپ چل کے مصطفیٰ کو چلی جانی اید نا الکمہ دی والدہ اید سوٹی چھڑی ٹیک دی نا اہستہ اہستہ قدم رکھ دیا میرے آقا علیہ السلام دے کول آ گئی ہے اے جگہ دے ویر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے نے الکمہ دی امی تیرے پتر دی جان نہیں نکلن دی خریت ہے وے کتے تو دے نال نراز دے نہیں ہوں تے وڈیری ماں دیاں اکھاں ڈل پئیاں کہن لگی سونےو انہیں میرا بڑا ہی دل دکھایا ہے میں ایدے تے ناراض آقا انہیں میرا بڑا ہی دل دکھایا ہے سونےو میں الکمہ تے راضی نہیں ہونا میں الکمہ تے ناراض تے جگہ دے پیر علی سلام نو ماں عرض کر دیے نالے موٹے موٹے اکھاں چو ماں آنسو گرائی جا رہی ہے اللہ دی قسم ماں دا دل دکھی ہوئے تے رب دا عرش وی ہلا کے رکھ دین دیے یار سانو پتہ ہی نہیں ماں پہ آندا کی مقام ہے اگر تیرے تے ماں دے سونے آ پھر ایویں نمازاں نہ چکی پھری ایویں نیکیاں کر رہا پھرنا تے جے ماپے ناراض نے کوئی اللہ دے عبادت کوئی عبادت نیکی رب دے دربار وچ قبول نہیں ہوئے گی الکمہ دی ماں کہن لگی سونےو اے بیوی دیاں تابے آداریاں کردا دے تے بیوی پیچھے لگ کے بڈی ماں نو گالیاں کڈدا اے آقا بیوی پیچھے لگ کے ماں دا دل بڑا دکھاندا ہے تے میرے آقا علیہ سلام دیاں وی اکھاں ڈل پئیاں آ فرماندے نے الکمہ دی امی اپنے پتر نو معاف کر دے کہن لگی سونےو میں اینوں معاف کرنا ہی نہیں میں نہیں دے معاف کرنا آقا انہیں میرا بڑا دل دکھایا ہے میں الکمہ نو کدے معاف نہیں کرانگی ہے میرے پاک پیغمبر علی سلام فرما دینے صحابیو بلال عمار آؤ نا جلدی کرو نا کچھ لکڑائیں کٹھیاں کر کے لے آؤ نا دے الکمہ دی ماں دیے سونےو کی کرنا دے فرمایا میں لکڑا مگوا کے آگ جلانا چاہنا ماں آگ
आका खरीयत फरमाया तेरे पुत्र नू आग विच सुटांगे ते एदी जान निकल जाएगी। मां दे कलेजे नू रुग पैंदा है। अल्लाह दी कसम मापियां दे दिल अल्लाह ने बड़े ही नरम बनाए ने। मैं आना होना औलादा ना फरमान भी हो ते मापे फिर भी ना फरमान औलादा वास्ते दर्द दिल ते रहम दिली अपने दिल विच रखदे ने। आ फरमांदे ने तेरे बेटे नू आग ला के मैं साड़ना चाहना। कहन लगी सोने मैं अपनियां अखां ना भावे मेरा ना फरमान पर मैं अपनियां अखां नाल इनू सड़दियां नहीं वेखना चाहती। आ फरमांदे ने अम्मा ये ते दुनिया दा अजाब है ते रब दी जहन्नम दे अग दे अजाब इहदे नालों भी डाढे होणगे। अगर मुआफ नहीं करेगी ते जहन्नम च सड़ेगा। कहन लगी सोनियो जाओ तुसी गवाह हो जाओ मैं अलकमा नू मुआफ कर छड़िया। जाओ सोने हो तुसी गवाह हो जाओ मैं अलकमा नू माफ कर छड़िया है। ते जग्गां दे वीर रब दे हबीब अली सलाम फरमांदे ने आ फरमांदे ने अमार जाओ पता करो ना जाके वेखो हां वाला अलकमा दी जान निकल गई है कि नहीं निकली है। ते मेरे आका अली सलाम दे सहाबी कहना ते अलकमा दी जान निकलन डई है ते नाल ही सबान ते पढ़न दे आए अशहदु अल्लाह इल्लल्लाह। वेखला मां दी ना फरमानी दी वजह तो जान ही नहीं निकलन दई सी। मां राजी हो गई है ते नाल ही जान निकल गई है ते कलमा जबान ते जारी हो गया। मेरे भाई मेरे बरादर ना इन्हां मापियां दा आओ जवानो मेरी मिलत जवानो आओ मैं तुहानू ईद दियां छुट्टियां दा एक मैसेज आ इन्ना ईद दिना दा प्यारा पैगाम लै दो। कदे जिंदगी च मापियां दी ना फरमानी ना करिया दे। अल्लाह दी कसम अगर दुनिया च इन्हां नू परेशान करेगा ते रब तैनू दुनिया दे अंदर ही जलील करके रख देंगे। मेरे भाइयो मेरे बरादर अल्लाह सुल जलाल दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अली सलाम ने फरमाया इना मापियां नू हमेशा राजी रखन की कोशिश करे। मैं एक वाकया पढ़ रहा सा तारीख दे हवाले ना। एक नौजवान वेख्या दे यार इस वाकया तो सबक हासिल करिया दे। ते नौजवानो मेरे ओ जवानो सारा अपनियां नजरां मेरिया नजरां विच मिला के रखिया दे। यार अपने कन जेड़े ने सारा अल्लाह दे पैगाम दी तरफे मुतवज्जे करके रखिया दे। मैं तुहानू एक पैगाम देना चाहना। एक नौजवान अब्दुल रहमान बिन शदान बलखी दा नाम है ते बलख कबीले दा रहन वाला है। इहदा बाप लखां करोड़ां दा मालक है भी मापियां दा पुत्तर कला कला ही है भी लाडला दे है भी मापियां दा बड़ा ही चहेता है। मर्जियां मेरे मौला दियां अब्दुल रहमान दा बाप दुनिया तो फौत हो गया है। हालात बदले पुत्र जवान हो गया महफला भैरिया च बैन लग पिया। यार बेली शराबी मिल गए ओए नौजवानो गंदिया यारा दिया महफलां विच ना बिया करो। यार बैठक करनी आ ते उलामा नाल बैठिया कर अल्लाह वालियां दी बैनी बिया कर। ओए बैठन दा सोबत दा भी बड़ा असर पैंदा दे। बुजुर्गो अपने बच्चियां नू गलत महफलां विच बैन ना दिया करो। वेखिया करो महल्ले
दे अंदर या चौकां दे अंदर जिथे मजलसा गलत होंदिया ने उन्हां मजलसा विच अपने बेटियां नूं ना बैठन दिया करो। अब्दुल रहमान बिन शदान जेड़ा इनू यार गंदे मिल गए ने, महफलां गंदिया मिल गईया, यार इनू शराबी मिल गए ने, यार इनू बदमाश दे गुंडे मिल गए ने, यारा बेलिया दिया महफलां च बैन लग पिया। जाहिर बात जदों बंदा शराबियां नाल बैगा ते फिर शराबी बनेगा, जुवेबाजा कोल बैगा ते जुवेबाज बनेगा। बेलाखरे नौजवान ये शराबां ते लग गया, अल्लाह दिया ना फरमानिया ते लग गया है, शराब दे नशे विच तुत हो के फिर रहा है। इधरों रमजान का महीना शुरू हो गया है, इन्हें अपने रमजान आज यकम रमजान है, इन्हें अपनी बैठक दे अंदर अपने यारा बेलिया नू बुलाया, ये शराबा पींदा पिया, जुवे खेलदा पिया, बदमाशिया ते कमर बस्ता हो गया है। ते बेल आखर अंदर घर बच वडेरी जी मां है, मां नू पता लग गया कि मेरा बेटा शराबा पींदा पिया। मां ने बैठक दा दरवाजा खोलिया ते कहन लगी, ओए अब्दुल रहमान पागल हो गया, रमजान चढ़ आई, बरकतां वाला महीना आ गया, लोग अपने रब कोलो अपने गुनाहां दीआं माफियां मंगण डैणे। ते अब्दुल रहमान तैनूं की हो गया, तू अज वी अल्लाह दीआं ना फरमानिया पिया करना है। ते यारा बेलियां च बैठा है, सजना साथियां च बैठा, कहन लगा मेरी मां ने मेरी इंसल्ट कर दीती है, यारा बेलियां दी महफल विच मेरे पल्ले की रह गया। एदे जल्दी नाल पिछा हटिया ते मां दे मुंह ते कस के तमाचा मारदा, एक थप्पड़ मारदा ते ओ थप्पड़ आके मां दे अख ते लगदा, ते मां दा अख दा डेला ही जाया हो गया, अख मां दी जाया हो गई है। ते मां दे दिलों दिल दुखी होया, आसमाना दी तरफ मां ने नजरां चुकिया ने, अरशा वाले रब्बा देख ला किड्डा बदबख्त निकलिया, अल्लाह इनू मैं तेरी ना फरमानी तो रोके आए, ते मां दी अख भी जाया कर दीती जो, अल्लाह इनू मुआफ ना करी, अगर ये तेरे कोलो मुआफी भी मंगे ते मैं जब तक इनू मुआफ ना करा लाइनों कदी माफ ना करी। अब्दुल रहमान आंदा है, मैं अपनी बैठक चो निकलिया, कुछ देर बाद जाके जरा होश आई ना ते सोची पै गया, ओए अब्दुल रहमान बुढ़ी मां ते किन्ना ही जुलम कर बैठा है, मां दा दिल दुखाया ही, मां दी आंख जाया कर दीती है। अल्लाह अल्लाह कह लगा, हुण मैनू ख्याल आया, ते जल्दी नाल मां दे कदमां च जाके बह जांदा, कह लगा अम्मी मैं माजरत करना वा, मेरे कोलो बड़ी वड्डी गलती हो गई है, अम्मी मैं तेरे कोलो मुआफी मंगना, मैनू मुआफ कर दे। ते मां कहन लगी, ओए अब्दुल रहमान बदबख्ता जा मेरिया अखां तो दूर हो जा, जालिमा मैं तैनू कदी भी माफ नहीं हो करना, यार मां दा दिल दुख गया है, जेड़ा मासूम दिल मुहब्बत वाला, मां दा दिल दुखी हो गया है। ते अब्दुल रहमान हो रोंदा फिरदा, लोकां कोल जांदा, उलमा कोल जांदा, आंदा यार कोई हल दसो कि अल्लाह मैनू कर दे, मेरी मां मेरे ते नाराज हो गई है। किसे ने दसिया, कहन लगे हज दा मौसम आ गया है, जा जा के बैतुल्ला दा हज कर, अल्लाह तैनू माफ फरमा देवेगा। मौसम हज आ गया है, ए हज दे सफर ते चला गया है, मर्जियां मेरे मौला दियां, हज तो फारग होया ना,
रात दी तारीकी है, आज तो फारग होके लेट आए ते दो अल्लाह आवाज है भी आई है, दो रब दे प्यारे ने, एक जनाबे मालिक बिन दिनार, एक हजरत साले बिन बशीर ने, आ दो रब दे वली ने, वली मालिक बिन दिनार ते साले बिन बशीर, ए भी हज ते इन्ना दिना च गए ने, एंज रात अचानक आवाज आउंदी है, ओए मालिक बिन दिनार और साले बिन बशीर, आ जिन्ने लोग भी हज करन वास्ते आए ने, इन्ना सारे दा हज कबूल हो गया है, पर एक बंदा ऐसा है जिदा अल्लाह ने हज कबूल ही नहीं कीता। ते मालिक बिन दिनार जल्दी नाल उठ पै, अखां डुल पईआ, एंज रब सामने हाथ बन लैन, अल्लाह किते मैं ही ते गुनागार नहीं जिदा हज कबूल नहीं होया, रब कोलो मुआफिया मांग के सौ गया। फिर ख्वाब आया, अगले दिन फिर ख्वाब आया, तीसरा दिन चढ़िया, फिर रात सुते ने ते ख्वाबों आवाज आउंदी है, ओए मालिक बिन दिनार ओए साले बिन बशीर, सारिया दे हज कबूल हो गए ने, पर एक अब्दुल रहमान बंदा, अब्दुल रहमान नामी बंदा, ओदा सी हज कबूल नहीं कीता। अब्दुल रहमान बिन शदान बलह कबीले चो आया, ओदा सी हज कबूल नहीं कीता। ए दोवें वली अल्लाह, मालिक बिन दिनार ते साले बिन बशीर, दोवें रब दे वली उठ पै ने, लभन लग पै, तलाश करन लग पै, ए खैमे च गए, अगले खैमे च, अगले इन्हां खैमियां दे चक्कर लगा रहे ने, ते आवाज दे के आंदे ने, ओए बलह कबीले चो कोई लोग आए ने ते साडे नाल राबता करो। पता लग्या ओ जिहड़ा आखरी खैमा, ए खैमा अब्दुल रहमान बिन शदान बलखी दा खैमा, ए दोवें रब दे वली उस खैमे च दाखिल होए ना। एक बंदा उन्हें अपने आप नू रस्सियां च झगड़िया है, रोंदा पिया, ते मां कोलो माफी मंगन लग्या, जदो मां माफ नहीं कर रही, इन्हें अपना हाथ कटिया अब्दुल रहमान ने, मां मैं जिस हाथ ना तैनू मारिया मैं बदले च हाथ कट लेना, इन्हें अपनी अख भी कट ली है। वेखिया अब्दुल रहमान बिन शदान दा हाथ कटिया, अख दा डेला साया होया, ते अब्दुल रहमान बिन शदान जेड़ा इन्ने संगलां च रस्सियां च अपने आप नू झगड़ा होया है, रोंदा कुरलांदा प्यार, ते बिल आखर ना मालिक बिन दिनार ते साले बिन बशीर दे कोल चले गए। कहन लगे भाई तेरा नाम अब्दुल रहमान बिन शदान बलह कबीले दा, कहन लगा जी मैं ही बलखी अब्दुल रहमान आ। कहन लगे भाई गल सुनिया, तीन दिन हो गए ने, एक खैबों आवाज आ रही है, अल्लाह ने सारे दी तौबा कबूल कर ली है, पर अब्दुल रहमान बिन शदान अल्लाह ने मुआफ नहीं कीता। सुनदा गश खा के जमीन ते डिग पैंदा, चीखा मारन लग पैंदा, कहन लगा अज तीसरा दिन चढ़िया, किसे ना किसे वाए नाल रोजाना ही मैनू पैगाम मिल जाता है, सारिया की हाजरी कबूल हो गई है, पर अब्दुल रहमान की हाजरी कबूल ही नहीं हुई। कह लगे गल की आ, केड़ा जुर्म ते केड़ा गुनाह कर बैठा है। कह लगा मेरे को बुढ़ी मां ते जुल्म हो गया, बुढ़ी मां ते मेरे को सियातियां हो गई ने, ते हजरत मालिक बिन बशीर कहन लगे और तेरी वालदा, मालिक बिन दिनार कहन लगे भी वालदा है वे, कहन लगे हाँ मेरी मां जिंदा है, ए साल मेरी मां भी हज ते आई, ए तीसरा साल है मैनू हज दा, ते हर साल ही मैनू पता लगता है तेरा हज नहीं कबूल होया, ते मेरी मां आई है, ओ अगे जाके आखरी कोने ते
जेड़ा खैमा लगे आए वो मेरी मां दा खैमा है। ए दोवें अल्लाह दे वली इस खैमे विच चले गए ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, असीं एक तुहाडे कोल अपील लैके आया, एक गुजारिश लैके आया। हां पुत्रो खरीयत नाल आए जे। कहन लगे अम्मा असीं तेरे बेटे अब्दुल रहमान दे सफारशी बन के आया, तेरे बेटे का तीसरा साल हो गया, रब अपने हज नहीं कबूल किया, अपने बेटे नू जब तक तू माफ नहीं करेगी ओनू कदे अल्लाह ने भी माफ नहीं करना। कह लगी वे अब्दुल रहमान की सिफारिश करने वाले हो, ओए मालिक बिन दिनार ते साले बिन बशीर, तुसी अल्लाह दे वली हो, अल्लाह दे प्यारे हो, पर तुहानू नहीं पता इस मेरे बेटे ने मैनू बड़ा ही सताया है, इन्हें मैनू बड़ा ही दुखी किया है, मैं इनू माफ नहीं जे करना, और कोई गल है ते मैं मन ले नहीं आ, पर मैं अपने बेटे नू कदे माफ नहीं जे करना। ते जनाबे मालिक बिन दिनार कोल बह गया ने, खैमे च बह गया, जना कुरान कड़ लिया है, ते कुरान पढ़न लग पे, अल्लज़ी नायुन फिकुना फिसराए वसराए वल कासमी नल गईदा वलाफी नानिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनी। कुरान पढ़िया कि जेड़े अल्लाह वाले होंगे ने वल आफी नानिन्नास, ओ लोगां नू माफ कर देंदे ने, अपना गुस्सा पी जांदे ने, अल्लाह वाले लोगां नू माफ कर देंदे ने। ते मैं कुर्बान जावां, जदों मां ने जनाबे मालिक बिन दिनार कोलों कुरान सुनिया ना, ते मां कहन लगी ओ मालिक बिन दिनार जाओ जे तुसी आ गए हो, कुरान सुनाया दे, ते मैं कुरान ते अमल करदिया होया अपने बेटे नू अल्लाह दी रजा वास्ते मुआफी कर दिता है। जनाबे मालिक बिन दिनार ने इन्ना दे बेटे अब्दुल रहमान नू मां को ले आंदा, पुत्र नू मुआफियां लेके दितियां। मेरे भाई रब वल्लों भी दरवाजा बंद हो जांदा है जदों मापे नाराज होंदे ने। असीं आने आ लोदी कारोबार विच बरकत। अज नौजवान अक्सर नौजवान कारोबार तो परेशान ने, अक्सर जवान जेनी परेशान ने, कदे मापिया नू पुछया ही नहीं के मापे किते है भी ने के नहीं है। यार कदम कदम ते मापिया नाल प्यार कर, कदम कदम ते मापिया दी खैर मांग, कदम कदम ते वालिदैन नाल हुसने सलूक कर। अल्लाह तैनू परेशानियां चो कढ लैणगे, अल्लाह रिजक विच बरकतां फरमा देणगे। ओए मां ने पुत्तर नू माफ कीता ते कायनात दे रब ने अब्दुल रहमान शिफावां भी अता कर दितियां ने, ते रब ने माफ भी कर दिता है। मेरे भाइयो मेरे बरादर, पता ये लगता है कि माँ बाप का ना फरमान जेड़ा वो दुनिया के अंदर भी परेशान होएगा, और कल कयामत के दिन भी जेड़ा वालिदैन का ना फरमान है वो मैदान माशर के अंदर भी जलील होएगा। हुजूर ने फरमाया सलासतुल ला यदखुलुल जन्नत, तीन बदनसीब बंदे जन्नत च कदे दाखिल नहीं होंगे, इन्हां नू जन्नत मुयसर नहीं आएगा। ओना चो एक बदबख्त ओ बंदा है अल आकुल वालिदै है जेड़ा अपने मां बाप दा ना फरमान होएगा। मेरे भाइयो मेरे बरादर, दुनिया आखरत दी इज्जत कामयाबियां चाहते हो ते अपने वालिदैन नाल हमेशा अच्छा सलूक करो, ओना ना हुसने सलूक नाल पेश आओ, इंशाअल्लाहुर रहमान रब्बुल आलमीन दुनिया भी बेहतर फरमा देंगे, अल्लाह आखरत भी बेहतर फरमा देंगे। अल्लाह को दुआ है अल्लाह मैनू ते तुहानू अपने वालिदैन दा फरमा बरदार बनाए, किताब व सुन्नत नू समझ के सही माने अच अमल दी तौफीक अता फरमाए। सदकल्लाहु अली जलाजीम।
رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.